तानी, अगर पेरेंट्स लव मैरिज के लिए नहीं माने तो क्या करना चाहिए? अपने प्यार का साथ देना चाहिए, क्योंकि खून के रिश्ते कहीं नहीं जाते, लेकिन जो दिल के बनाए हुए रिश्ते होते हैं ना, अगर वो एक बार चल जाते तो वो जिंदगी में लौट के नहीं आते। आपके लिए पेरेंट्स इम्पोर्टेंट नहीं है? पेरेंट्स के लिए बच्चे इम्पोर्टेंट नहीं है? मतलब हमेशा एक बच्चा ही क्यों सेक्रीफाइस करे पेरेंट्स के लिए? क्या कभी पेरेंट्स बच्चों के लिए नहीं झुक सकते? जितने भी माँ बाप अपने बच्चों को ये धमकी देते हैं ना कि अरे हम तो मर जाएंगे, हमारा मरा वो मुंह देखोगे अगर तुमने ये किया, हम चार लोगों को क्या जवाब देंगे? आप बच्चे पे ना एक प्रेशर बना रहे हो। आपको क्यों देना है चार लोगों को जवाब? कौन है वो चार लोग? वो आपके बच्चे को रोटी देने आए थे? आपने अपने बच्चे को पाला पोसा है, बड़ा किया है, तो उसके सही गलत में आप उसके साथ खड़े हो। और जब माँ बाप खड़े होते हैं ना बच्चे के साथ, तो वो चार लोगों की बोलने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अगर हम चार कमियां दिखाएंगे ना किसी में तो सामने वाला 40 कमियां गिनवा देगा। लेकिन अगर आप ही अपने बच्चे के साथ खड़े हो जाओगे ना, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कर जाए। मैं जानती हूँ माँ बाप अपने बच्चों की खुश चाहते हैं, मिल लो लड़के से, अच्छा हो तो शादी करा दो ना। और पता है अगर वो नहीं कराएंगे ना शादी, तो बच्चे की ना दिल में जिंदगी भर ये रिग्रेट रह जाएगा कि मैंने मेरे प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया। व्हाट इफ आप जिससे अरेंज मैरिज करा रहे हो वही लड़का अच्छा ना दिखले तो? लेकिन आप लोग बच्चे पे इतना प्रेशर बना देते हो मेंटली कि अगर वो अपनी लाइफ में किसी दुख से जूझ भी रहा होगा ना, तो उसको कभी हिम्मत नहीं होगी कि जाके मैं अपने माँ बाप को बता दूं, क्योंकि वो बोलेंगे अरे हो गया, हमने तो पहले ही बोला था, हमारा तजुर्बा है, कर लिया अपने मन की, अब भुगतो, अब पछताओ। साथ नहीं देते जितने भी माँ बाप ऐसे करते हैं ना, बच्चा कब आपसे दूर जाके बाहर की संगत में पड़ जाएगा ना पता नहीं चलेगा। और बाहर के लोग हमेशा फायदा उठाते हैं।